हेलो बच्चों बच्चों, आज हम बात करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें हम ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे हम ज्वाइन का सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। देखो, हमने पिछली वीडियो में किया था इक्वी ज्वाइन, तो इक्वी ज्वाइन का वही जो मैंने रिजल्ट बनाया था वो हमारे सामने है। तो उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसको रिमूव करने के लिए हमने नेचुरल ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को लाया था। और एक पॉइंट और बताऊंगा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समवेयर, वो एडिशनल पॉइंट है जो हमें दिमाग में याद रखना चाहिए। तो पहले नेचुरल ज्वाइन को समझते हैं। इट इज जस्ट लाइक इक्वी ज्वाइन, ये इक्वी ज्वाइन की तरह ही होता है, बट इट रिमूव्स द कॉमन एट्रीब्यूट बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन। बट ये कॉमन एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता है, कैसे, जब मैं इसमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगा दूं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन किस लिए काम आता है कि कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को मैं लेना चाहता हूं एक पर्टिकुलर टेबल में से, तब मैं क्या यूज करता था, प्रोजेक्ट यानी पाई का सिग्नल, ठीक है। तो उसको कंबाइन करके इक्वी ज्वाइन के साथ मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं कॉमन एट्रीब्यूट को, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। इक्वी ज्वाइन जब हमने बनाया था तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी मैंने ऐसे लिखी थी, अब मैं इसको सेम ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और याद रखना बच्चों कि जब मैंने कहा था प्राइमरी की और फॉरेन की होना जरूरी है, तो देखो कई कंसेप्ट में जरूरी होता है, नहीं तो क्या होना चाहिए। जब हम कंपेयर कर रहे हैं जिसके बेस पे एसोसिएट कर रहे हैं, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ, ठीक है, मान लो मैं कहता हूं ये ना कोई फॉरेन की है ना प्राइमरी की है इस टेबल में, मैं कहता हूं ना ये प्राइमरी की है इस टेबल में, ठीक है जी, कोई बात नहीं, तब भी चल जाएगा। बट अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, ना डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मैं ये करैक्टर है, ये करैक्टर है, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं ज्वाइन में? यस, कर सकता हूं, बट क्या होगा, वैल्यूज जो मैच करेगी उसी का तो आंसर देगा ना। तो ये चीज होती है, कई केसेस में जरूरी होता है, कईयों में नहीं होता, बट हम ऐसे आलतू फालतू किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। हम कॉन्सेप्ट बनाया था, कुछ सोच के बनाया कि प्राइमरी की और फॉरेन की के हिसाब से, बट करने को आया तो करेगा वो, ओके। चलिए, अब यहां पर देखो मैंने डिपार्टमेंट आई डी यहां पर ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ओके। अब मैं कहता हूं कि ये मेरा इक्वी ज्वाइन का क्या था, रिजल्ट आया था, बट यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे नाम सेम नहीं आ सकते, तो उसको वो क्या करेगा, रिजल्ट में डी आई डी दे देगा अपने हिसाब से। बट मुझे पता है ये एट्रीब्यूट और ये एट्रीब्यूट सेम है, इनके अंदर जो वैल्यूज दिखाई जा रही है 10 10 20 20 20 20 10 10, क्या है, सेम है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यूज करूंगा नेचुरल ज्वाइन, जो कि क्या होगा, इक्वी ज्वाइन में जब आएगा रिजल्ट मैं उसके अंदर प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगा दूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, नेचुरल ज्वाइन, ओके। चलिए, अब इसके अंदर देखो सिंटैक्स क्या है, R1 ये मैंने बनाया सिंबल ज्वाइन का, देन R2 ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, नहीं तो इसको और ब्रॉड वे में करना हो तो इसको मैं कैसे लिखता था, ये मेरा कॉम्बिनेशन होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन इसके बाद मैं क्या लगाता था, सिग्मा की ये पर्टिकुलर मुझे कंडीशन लगा के टप्पल्स पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कंडीशन लगाई थी ना कि डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय वाले की सेम होनी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी डी आईडी के साथ, डिपार्टमेंट के डी डिपार्टमेंट आईडी के साथ, यही था ना, तो ये मेरा था कंडीशन। अब इसके साथ देखो ये चीज है मेरी इक्वी ज्वाइन, सिर्फ इतना इक्वी ज्वाइन मैं लिख देता हूं, ये कंडीशन है मेरी सिर्फ इक्वी ज्वाइन की, और मैंने क्या कहा था कि मुझे लगाना है क्या, साथ में प्रोजेक्ट ऑपरेशन, तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ इसमें से मुझे मिला ये सब, बट मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स चाहिए जो कॉमन है, मुझे रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो एट्रीब्यूट्स लिख दूंगा जो मुझे चाहिए, तो उसमें मैं रिमूव कर दूंगा इसको लिख के कि भैया मैं ये यूज नहीं करना चाहता, तो ये कर लो। किसी बुक में आप हो सकता है दूसरा कोई सिंटेक्स पढ़ रहे हो, तो वो सारे सिंटेक्स ठीक है, क्योंकि कोई देखो माई सीक्वल के हिसाब से बता रहा है, कोई ओरेकल के हिसाब से बता रहा है, कोई एमएस एसक्यूएल के हिसाब से बता रहा है, और टाइम टू टाइम इनमें क्या है, अपडेशन होती रहती है, नए नए वर्जन आते हैं, थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है। तो ये मत सोचना कि यार मैं तो उस बुक से पढ़ रहा हूँ, वहां पे ये चीज है, यहाँ पे ये बताई जा रही है, इंटरनेट पे ये है, यूट्यूब पे ये है, टीचर ने कुछ और बता दिया, मैं क्या करूं। तो गाइज बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वी ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें से मुझे रिमूव करना है सेम एट्रीब्यूट, तो मैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगा के कर सकता हूं, और या किया जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली कोई कहेगा ऐसे करना तो ऐसे कर लीजिए, बट कंडीशन तो डालनी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ, तो वो चीज ये है,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है डिपार्टमेंट आईडी इसकी और इसकी सेम है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो पहले मैं इसकी पूरी की पूरी क्या लिखूंगा, नोटेशन लिखूंगा कि वो बनेगी क्या, ठीक है। जो क्वेरी बनेगी वो बनेगी, सबसे पहले मैं इसको लूंगा, मैंने लिखा सिग्मा, कंडीशन क्या थी कि इंप्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय की डॉट क्या, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू है किसके, डिपार्टमेंट के डिपार्ट आईडी के साथ, डिपार्टमेंट की डॉट डिपार्टमेंट आईडी के साथ, ठीक है जी। ये क्या है, सिग्मा आ गई, आ गई कंडीशन आ गई। सिग्मा के बाद मुझे यहाँ पे साथ में क्या लगाना था, बेसिकली कार्टिजन प्रोडक्ट तो नहीं लिख रहे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे R1 एंड R2। R1 क्या मेरा एम्प्लॉई, ठीक है, और मैं इसका क्या कर रहा हूं बच्चों, ज्वाइन कर रहा हूं, तो ज्वाइन ऑपरेशन लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। किसके साथ, R2 के साथ। R2 क्या है, डिपार्टमेंट है, ये मुझे क्या दे देगा, इक्वी ज्वाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से पाई लगाना है, मतलब मुझे प्रोजेक्ट लगाना है, तो मुझे क्या चाहिए यहां पे, सिर्फ मैं लिखूंगा पाई के अंदर कि भाई मुझे जो ये टेबल आ रहा है इसमें से सिर्फ मुझे मान लो कि भाई ई आई डी चाहिए, कोमा नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, और यहां पे मैं लिख लूंगा एम्प्लॉय वाली डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय वाली अलग से जो एम्प्लॉय के अंदर है, कॉमा डिपार्टमेंट का नेम, ओके जी। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से आपको ये सारी चीज छांट के दे देगा, क्लियर हो गया, ये डिपार्टमेंट का नेम ऐसे है, क्लियर गाइस। तो ये था आपके पास कि कैसे आप चीजों को निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल ज्वाइन, जो क्या करता है, रिमूव करता है कॉमन एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि ये देखो चीज क्या आ रही है, बार बार आ रही है, तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो इतना आने वाला है, ये मैंने हटा दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेम चीज थी, सेम नाम था, मुझे पता नहीं था कि डिपार्टमेंट आईडी क्या क्या चीज है क्या नहीं है, तो मैं क्यों इंक्लूड करूं, मतलब सफाई कर रहा, फालतू चीज को हटा रहा है, ठीक है जी। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेचुरल ज्वाइन तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे खत्म हो गए, आउटर ज्वाइन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, देन द फुलर आउटर ज्वाइन, ये तीन वीडियो बनेगी, देन ये जो हमारा ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, हो सके चैनल सब्सक्राइब, एंड देन द प्लस कि आप इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का उसको क्लिक करते रहिएगा। थैंक यू।